माँ के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता हूँ कि तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तो वो नहीं दिखाती, तो बाकी लोगों को लगता है कि मैं उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर वो लोग मुझे मारना शुरू कर देते हैं, फिर इतना मारते हैं कि मेरी हालत ऐसी हो जाती है, और फाइनली मुझे दिख जाता है कि इट्स ईशानी, और मैं उसकी तरफ भागने की कोशिश करता हूँ, इतने में एक गाड़ी आती है और मुझे उड़ा देती है, तो फिर और भी मैं हर्ट हो जाता हूँ, मेरा हार्ट फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन ऐसी हालत में भी हाँ, रणवीर ईशानी को भूलना नहीं चाहता, बिकॉज उसको फाइनली ये पता लग गया है कि ईशानी ज़िंदा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और वो कैसे भी करके उसे मिलना चाहता है और उसे कन्फ्रंट करना चाहता है। हाँ, नच बलिए को लेकर काफ़ी बिजी था, और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, इट वॉज़ वेरी नाइस, डांस परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी डिसेंट हुए, तो आई एम वेरी हैप्पी, और एक हाई स्कोर बना के आया हूँ मैं, जो पहला हाई स्कोर है हमारे शो में, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और एट द सेम टाइम अब हाँ, अभी मैं अब मेरे शो को इतना टाइम नहीं दिया था मैंने उस वक्त, लेकिन अब मैं ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा क्योंकि आई एम बैक इन द शो। नच बलिए में शक्ति था, इसलिए इट वॉज़ टू मच, अब पता नहीं टू मच रहेगा कि नहीं, सो आई डोंट नो, पर हाँ इट वॉज़ फन, और मुझे और नेहा को काफ़ी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जो नॉर्मली नहीं मिलता है, बिकॉज मैं सारा टाइम सेट पे रहता हूँ और हमेशा उसकी कंप्लेंट्स रहती हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग साथ में ही थे, साथ में ही डांस परफॉर्मेंसेस करते थे, सारे चैलेंजेस एक साथ हम यू नो फेस करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था उसमें, क्योंकि हम वैसा ही टाइम हम तेरे लिए के सेट पर भी बिताया करते थे, तो वो सारी यादें जो थी वो ताज़ा हो गई। मेरे ख्याल से डांसिंग इज़ टफ़, क्योंकि रिहर्सल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मेरे ख्याल से हर एक के लिए ये नज़रिया अलग होगा, क्योंकि जो शुरू से डांस करता आ रहा है उसके लिए डांस ईजी होगा, अब मैं शुरू से एक्टिंग करता आ रहा हूँ तो मेरे लिए एक्टिंग थोड़ी कंफर्टेबल जोन है, तो वैसे ही वाली बात है, लेकिन मुझे डांस करके मुझे बहुत मज़ा आया, भले इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट मुझे बहुत मज़ा आया। मैं फैन से बस यही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे हर थिक एंड थिन में सपोर्ट किया है, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, कीप वॉचिंग मेरी आशिकी, एंड जस्ट वांट टू से दिस दैट आई लव यू।